उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चो सरकार चला रहे हैं। अज यह दावा दिल्ली की मंत्री आतिशी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। आतिशी ने एक चिट्ठी दिखा के कहा कि कल केजरीवाल ने जल मंत्रालय के लिए एक चिट्ठी के राही हुक्म भेजा, जिस च कहा गया कि दिल्ली के लोगों नूं पानी की किल्लत का सामना ना करना पवे, इसलिए जिन्हां इलाकों के विच पानी की समस्या है उत्थे तुरंत टैंकर राही पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के मुख सकत्र नूं भी हुक्म जारी किया गया कि जेकर उन्होंने कोई समस्या आ रही है तो सीधा उप राजपाल दे नाल संपर्क कर। आतिशी ने कहा कि असी पहला भी कहा सी कि तुसी साडे मुख्यमंत्री नूं गिरफ्तार कर सकदे हो पर उन्हां दे विचारां नूं नहीं, जेल दे विच रहिंदे आ उह दिल्ली दे लोकां दे लई चिंतित हन। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। उधर भाजपा के राष्ट्रीय सकत्र मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपकी मंत्री आतिशी द्वारा दिखाई गई चिट्ठी नूं जाली दस्या। सिरसा ने कहा कि आप वाले दिल्ली के लोगों नूं धोखा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत च है, जेल दे विचों मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लैटर पैड से किवें आ सकती है? यह सीएम का दफ्तर है, शराब की दुकान नहीं जिथे कोई भी बोतल लैके ले जा सकता है ते दे सकता है। सीएम के दफ्तर चो उही चिट्ठी भेज सकता है जिसके कोल अधिकार होण। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत च हन ते ओह उदों तक कोई संदेश नहीं दे सकते जदों तक अदालत उन्हां नूं इजाजत नहीं दिंदी। अधिकारित पत्र किसने ते किवें जारी किया यह साफ किया जाए। सिरसा ने दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना नूं भी चिट्ठी की जांच करने के लिए बेनती की। कोई आपकी शराब का दुकान नहीं है कि जब दिल किया किसी को बोतल निकाल कर दे दी, जिस भाव ने दिल किया उसमें बेच दी। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस एक्ट और कानून के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है। चीफ मिनिस्टर ईडी कस्टडी में है, वो अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जब तक कोर्ट से उनको परमिशन ना हो। यहां तक कि खाना भी अगर उन्होंने घर से खाना तो वो भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में, चीफ मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दफ्तर किसने इस्तेमाल किया? ऑफिशियल लेटर जिसपे लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये किसने इशू की? ये लेटर ड्राफ्ट करने की हिदायत किसने दी? ये लेटर ड्राफ्ट किसने की? ये लेटर टाइप किसने की? और ये लेटर इशू किसने की? किस पर्पज से की? ये सारी बातें जो हैं, ये बहुत इंक्वायरी का और क्रिमिनल एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसलिए मैं LG साहब से दरख्वास्त करता हूं, इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी करानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी खिलाफ इंडिया गठजोड़ 31 मार्च नूं दिल्ली च विशाल रैली कर रहा। आप नेता दे दिल्ली दे मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान किया। गोपाल राय ने कहा कि 31 मार्च एतवार नूं सवेरे 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान दे विच इकट्ठी होवेगी। रामलीला मैदान दे विच इंडिया गठजोड़ की महारैली होवेगी। सिर्फ दिल्ली के लोगों नूं ही नहीं बल्कि मैं भारत के सारे लोगों नूं अपील करदा जो इस संविधान अते लोकतंत्र ते भरोसा करते हैं कि वह 10 बजे सवेरे रामलीला मैदान दे विच जरूर आउण। इह रैली केजरीवाल नहीं लोकतंत्र नूं बचाउण दे लई है।